सोनीपत से बड़ी खबर है, जहां गोहाना में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की ओर से प्रेस वार्ता की गई। तो हुड्डा की ओर से सरकार को घेरा गया है। कई मुद्दों को लेकर हुड्डा हमलावर नजर आए। खान घोटाला मामले की सीबीआई जांच हो, एक बार फिर से उनकी ओर से मांग की गई है। हरियाणा में नशा चरम पर है, नशाखोरी चरम पर है, कहा गया है हुड्डा की ओर से। और सरकार ने कोई भी फैसला जनहित में लिया कि नहीं है, तो हुड्डा की ओर से प्रेसवार्ता कर सरकार को घेरा गया है। सरकार ने कोई फैसला जनहित में नहीं लिया है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर बातें थी सरकार गठन के वक्त, लेकिन अभी तक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं आया है, ये भी कहना है भूपेंद्र हुड्डा का। तो बड़ी खबर आपको बता रखी है, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की ओर से सरकार को एक बार फिर से प्रेसवार्ता कर घेरा गया है। धान घोटाला मामले की चौकी देखिए, खाद्य आपूर्ति विभाग केसीएस की ओर से साफ तौर पर कहा गया कि घोटाला हुआ है। फिजिकल वेरिफिकेशन दो बार करवाई गई, उसके बाद साफ हुआ कि 90 करोड़ का घोटाला हुआ है। अब नेता विपक्ष लगातार ये कह रहे हैं कि ये बड़ा घोटाला है, साथ ही किसानों का जो नुकसान हुआ है वो किसकी जिम्मेदारी बनती है। इसके साथ साथ या तो सीबीआई मामले की जांच करे या फिर हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से मामले की जांच करवाई जाए, ये मांग लगातार भूपेंद्र हुड्डा कर रहे हैं धान घोटाला मामले को लेकर। साथ ही सरकार का अभी तक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं आया है, ये बात पहले भी वो कह चुके हैं कि सरकार गठन के वक्त जो बात कही गई थी कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत ये गठबंधन किया जा रहा है, लेकिन अभी तक सरकार का क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, गठबंधन के साथ ही दोनों पार्टियों का क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, उसको लेकर कोई जानकारी नहीं है, उसकी बातचीत ही नहीं हो रही है। इसके साथ ही नशे को लेकर भी हुड्डा की ओर से सरकार पर निशाना साधा गया कि नशाखोरी चरम पर है। चलिए खबर पर पूरी जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र चौधरी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जितेंद्र, एक बार फिर से हुड्डा की ओर से कई मुद्दों को लेकर सरकार पर निशाना साधा गया, साथ ही धान घोटाला मामले को लेकर लगातार वो मांग कर रहे हैं कि सीबीआई से मामले की जांच हो। तो सरकार पूरी तरह से दिशाहीन है, ये भी कहना है हुड्डा का। और अभी तक दोनों जो गठबंधन की सहयोगी पार्टियां हैं सरकार में, उनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या है वो भी नहीं आया है। धान घोटाला मामले की सीबीआई जांच हो, ये मांग लगातार हुड्डा कर रखे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रखे हैं, भूपेंद्र हुड्डा की ओर से प्रेसवार्ता कर कई मुद्दों पर सरकार को घेरा गया है, जिसमें मुख्य तौर पर एक बार फिर से धान घोटाला मामले का जिक्र वो कर रखे थे। नशा हरियाणा में चरम पर है, उस पर कोई अंकुश नहीं, नकेल नहीं, ये भी कहा गया हुड्डा की ओर से। सरकार जनता के हित में कोई फैसला ही नहीं ले रही है, काम नहीं कर रही है। तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर भी उनकी ओर से सरकार से सवाल पूछे गए हैं। जितेंद्र चौधरी एक बार फिर से हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हैं। जितेंद्र, एक बार फिर से हुड्डा की ओर से सरकार को घेरा गया धान घोटाला मामले को लेकर, लगातार वो कह रहे हैं कि ये घोटाला बड़ा हुआ है और सीबीआई इसकी जांच करे। बिल्कुल, अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से धान घोटाला सामने आया और खुद इस बात को लेकर जो है उनकी तरफ से पुष्टि की गई है कि करीब 90 करोड़ रुपए का घोटाला जो है वो हुआ है, और सरकार भी इसमें कार्रवाई की बात कर रही है। और इसी बात को लेकर के भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी स्पष्ट किया है कि धान घोटाले को लेकर के जो जांच है उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और इसके तमाम पहलू सामने आने चाहिए। साथ ही गन्ने को लेकर के भी, गन्ने का जो मूल्य है किसान को ठीक नहीं मिल रहा है। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि 2014 में गन्ने का रेट 310 रुपए था और अब कम से कम 380 रुपए होना चाहिए, लेकिन इस प्रकार की कीमत किसान को नहीं मिल रही है और शुगर मिलों में कई जगह मशीनें बदली है। ठीक है, इसके साथ ही कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर बार बार वो सवाल पूछते हैं कि सरकार गठन के वक्त कहा गया कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत काम करेंगे, लेकिन क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है सरकार का, वो अभी तक नहीं आया। बिल्कुल, अगर बात की जाए तो एक अपडेट के तौर पर भी बताना चाहेंगे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर के आज करीब 4:15 बजे एक बैठक होनी है और विपक्ष लगातार ये सवाल पूछ रहा है कि ये वादा किया गया था जब चुनाव के बाद ये गठबंधन हुआ था कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम सबसे पहली प्राथमिकता होगी सरकार की, लेकिन इसके बावजूद भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर के अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। इस बार फिर विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए गए। चलिए ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। तो गृहमंत्री अनिल विज की अगुवाई में विधानसभा के पटल पर ही घोषणा सीएम की ओर से कर दी गई थी, जानकारी दे दी गई थी कि 5 सदस्यीय कमेटी काम करेगी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर। आज उसकी भी मीटिंग होनी है, वो भी अपडेट फिलहाल हमारे संवाददाता दे रखी थी। बड़ी खबर फिलहाल आपको बताई, चंडीगढ़ से हुड्डा की ओर से सरकार को घेरा गया है कई मुद्दों पर।